हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन सब्स। आई होप गाइस अच्छे होंगे। सर आज के वीडियो में भर भर के इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को एंड तक देखो, काफी मजेदार वीडियो होने वाला है। बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज पता चलने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जुजुत्सु काइसन का जो अचीवमेंट है उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो इधर हम लोग क्लिक करेंगे, मतलब क्लिक नहीं करेंगे, स्वैप करेंगे। उसके बाद देखो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, इधर हम लोग अचीवमेंट में क्लिक करते हैं, अचीवमेंट में क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आ जाओ और इधर आप देख पाए जुजुत्सु काइसन का जो अचीवमेंट है ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका, मेरा कंप्लीट हो चुका। ये जो अचीवमेंट है ना, इजिएस्ट भी हो सकता हार्ड भी हो सकता है कुछ कुछ बंदे के लिए, क्योंकि इसमें कुछ वैसे ही कुछ करना है। इधर आप देख पर जुजुत्सु काइसन, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और जैसे कि आप देख पर हम लोग को 20 अचीवमेंट पॉइंट, उसके साथ साथ 50 एजी करेंसी हम लोग को मिल चुका है। इसको हम लोग ओके करते हैं, उसके बाद ये पोस्टर को डाउनलोड कर लेते हैं और इसको काट देते हैं। वैसे ये जो अचीवमेंट कल ही मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो ये जो अचीवमेंट है इसमें आपको दो मिशंस कंप्लीट करना है। सबसे पहले यूज द क्रस्ट कॉर्प्स ग्रेनेड वन टाइम। तो ये जो कैथी वाला जो ग्रेनेड मैं आपको दिखाया था बीटा वर्जन में, तो वो ग्रेनेड को एक बार आपको यूज करना है। अब देखो ये कैथी वाला जो ग्रेनेड है ना, ये रैंडमली मिल सकता है, कोई एक्सक्लूसिव लोकेशन नहीं है। जैसे हम लोग क्रेड वाला लोकेशन में आपको दिखा चुका, बट कैथी का कुछ लोकेशन नहीं है। बट मैं आपको ये डेफिनेटली दो टिप्स देने वाला हूँ जिसका यूज करके मे भी आपको कैथी ग्रेनेड थोड़ा जल्दी मिल जाए। ठीक है, देखो कैथी ग्रेनेड जो है वो आपको लिविक मैप में भी मिल जाएगा, इरेंगल में भी मिल जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी मैप का यूज कर सकते हो जुजुत्सु काइसन एक्सक्लूसिव मोड में, और जो कि केवल आपको रैंक में दिखेगा, अनरैंक में दिखने को नहीं मिलेगा। जो मैंने नोटिस किया कि जुजुत्सु काइसन का जब आप मोड खेलोगे तो आपको पता है बहुत सारे शॉप्स आपको दिखाई देता है, तो शॉप्स जहाँ जहाँ मैप में आपको दिखता है उसका आजू बाजू आपको ग्रेनेड मिलता है। तो वो एक तरह का बोल सकते जो शॉप्स वाला एरिया वो मेन एरिया है सब पर्टिकुलर मैप का, तो वो एरिया में अगर आप जाओगे शॉप का आजू बाजू या छोटा मोटा जो सैक्स होता है उसके अंदर ही आपको ग्रेनेड मिल जाएगा। केवल वो ग्रेनेड को यूज करना है, ठीक है, उसको मारने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हाथ में ग्रेनेड लोगे उसको फेंक दोगे तो आपका पहला बार जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल। आप अपने फ्रेंड से भी ले सकते हो, फ्रेंड का अगर मिल गया तो उसको बोलो दे देना आपको, फेंकने के लिए नहीं, अपने बैग से गिरा के आपको देने के लिए, और आप एक बार फेंक दोगे तो आपका काउंट हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है, शॉप वाला एरिया में जाओ उसका आजू बाजू मिल जाएगा, रैंडम फिक्स लोकेशन उसका नहीं है, रैंडमली कभी भी मिल सकता है। बट मैं आपको बता दें कि थोड़ा पॉपुलर एरिया में जाओगे तो जल्दी मिलने का चांसेस है, ठीक है, और केवल यूज़ करना, मारने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड जो मिशन है तो बहुत ही ईजी है, मैं आपको 20 लोकेशन दिखा चुका हूँ कल क्रेट का, जुजुत्सु काइसन क्रेट का, उसमें से कोई भी एक लोकेशन का आप क्रेट ओपन करोगे तो आपका ये ना मिशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, केवल जो पहला पार्ट है ग्रेनेड वाला वो केवल मिलने का जरूरत है, मिल गया तो आप केवल फेंकोगे तो काउंट हो जाएगा, उसको मारने का जरूरत नहीं। तो ये अचीवमेंट इधर ही खत्म होते हुए अभी हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक में। तो आपको पता होगा बीजेएमआई के अंदर कल या सुबह को आज कुछ 1 MB के आसपास अपडेट आया है, और वो 1 MB का अपडेट के साथ बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। क्रेड में हम लोग क्लिक करते हैं, इधर आप देख पा रहे हो कि हम लोग कुछ क्रेड्स का जो नाम है, सबसे पहले प्रीमियम क्रेड तो चलो सही है, सेकंड जो आप देख पा रहे हो अपग्रेडेड गन क्रेड, तो ये आप कमेंट करना कि ये पहले भी वैसे था कि अभी भी वैसे ही नाम है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। स्टीम पंक क्रेड आपको दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ नाइट क्रेड देख पा रहे हो, और ये नाइट क्रेड ही मैं आपको दिखाने वाला था जिसका नाम पहले सप्लाई क्रेड था, उसका नाम को चेंज करके नाइट क्रेड कर दिया गया। अब देखो इसमें दो चीज हो सकता है और आप ये कमेंट में प्रेडिक्ट कर सकते हो दो में से कौन सा चीज हो सकता है। सबसे पहला चीज ये हो सकता है कि ये नाइट क्रेड हटा के अभी बहुत ही जल्दी आपको जो कूपन्स वाला सप्लाई क्रेड है वो आपको गेम के अंदर देखने को मिलेगा बीजेएमआई के अंदर, ये है पहला पॉसिबिलिटी जो कि हो सकता है। और सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि और आपको बीजेएमआई के अंदर सप्लाई क्रेड नाम का कुछ क्रेड देखने को ना मिले, जैसे मैं आपको बोला था पबजी मल क्रेड में पबजी क्रेड होता है सप्लाई क्रेड नहीं होता है, वैसे आपको बीजेएमआई क्रेड नेम का कोई एक क्रेड देखने को मिलेगा जो कि सप्लाई क्रेड कूपन का नेम को चेंज भी कर सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन मैं आपको बता दिया, आपको मैंने दिखा दिया कि नाम चेंज कर दिया गया है, कमेंट करना कि कौन सा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप कमेंट कर सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग आते हैं तीसरा टॉपिक में। एक्चुअली ये जो तीसरा टॉपिक है मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ बंदे जो है वो पबजी मोबाइल KR भी खेलते हैं, और उन लोगों का क्वेश्चन ये था कि भाई पबजी मोबाइल KR में जुजुत्सु काइसन मोड क्यों नहीं आया, जबकि BGMI और पबजी मोबाइल ग्लोबल में तो एक ही साथ आया। तो गाइस पबजी मोबाइल ग्लोबल एंड BGMI का जो डेट शेड्यूल रहता है इवेंट का लगभग सेम ही रहता है, बट पबजी मोबाइल KR का डेट शेड्यूल थोड़ा अलग है, मैं आपको दिखा देता हूं आपके स्क्रीन में। 24th ऑफ फेफ को आपको जुजुत्सु काइसन मोड देखने को मिलेगा पबजी मोबाइल KR वर्जन है, और उसके साथ साथ 15 तारीख को ये मोड चल जाएगा। अब मुझे नहीं पता रीजन क्या है कुछ दिन बाद देने का, बट मैं आपको डेट दिखा दे रहा हूँ और ये ऑफिशियल डेट ही है, और ये डेट में ही आपको देखने को मिलेगा और आप भी जुजुत्सु काइसन मोड का इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपके क्लाइंट में भी जुजुत्सु काइसन का अचीवमेंट है तो जुजुत्सु काइसन मोड डेफिनेटली आने वाला है, उसका टेंशन मत लो। थोड़ा सा डिले होकर आएगा, रीजन नहीं पता, बट मैं आपको बता दिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। और उसके साथ साथ जो आखिरी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कुछ दिन पहले मैं आपको बोला था
कि रेड डायमंड वाला जो इवेंट है वो खत्म हो चुका है। मैं थोड़ा सा गलती कर दिया था, बंदे लोग को 80 डायमंड मिल चुका है, और कुछ कुछ बंदे जो पूछ रहे थे कि इससे इसके बाद और डायमंड इवेंट आएगा कि नहीं, तो मैं जो ऑफिशियल उससे मेल करके पूछा था, जैसे कि आप देख पर मैं आपको दिखा देता हूँ, और उन लोग का रिप्लाई भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आया है। इधर आप देखो तो ऑफिसर का रिप्लाई देखो क्या आया है। हेलो प्लेयर, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया कस्टमर सपोर्ट। वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न रिगार्डिंग द अपकमिंग इवेंट फॉर रेड क्रिस्टल स्पाइडर ट्रैक सूट रिडिम्पशन। वी आर अनेबल टू डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन एज फॉर नाउ, प्लीज स्टे ट्यून टू आवर ऑफिशियल सोर्सेज। ठीक है, पता चल गया कि बीजीएमए के ऑफिशियल की तरफ से हम लोग को कुछ भी बताया नहीं जाएगा इवेंट के बारे में, क्योंकि वो सब शेड्यूल रहता है और वो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, तो अगर आएगा तो आपको दिख जाएगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे चांसेस कम लग रहा भी आएगा, क्योंकि बंदे लोग को ट्रैक सूट मिल चुका है। जो जो बंदे एक भी मिशन मिस नहीं किए उसको एग्जैक्टली 80 ही क्रिस्टल मिला है, और वो लोग ट्रैक सूट को रिडीम कर चुके हैं। थोड़ा कम चांस है कि आपको क्रिस्टल और देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जो क्रिस्टल आपको फ्री में मिलेगा वो नो यूज़ होगा। हाँ, जो जो बंदे स्किप किए कुछ मिशन उन लोग का यूज़ हो जाएगा, पर जो जो बंदे 80 कर लिए उसके बाद तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आपको अच्छा खासा क्रिस्टल लगेगा जिसके लिए आपको यूसी का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा, अगर आता है तो मैं कवर कर दूंगा वीडियो। तो होपफुली ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, भर भर के इन्फॉर्मेशन ने दे दिया, जो जो छोटा मोटा डाउट था सब कुछ क्लियर कर दिया। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।